हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्ले करके देखेंगे जरा से दिल में दे जगह तू गाने को, कैसे हम बीट्स के साथ करोके के साथ प्ले करें इसको। आइए देखते हैं। हम लोगों ने प्ले करके देखा जरा से दिल में दे जगह तू गाने को। चलिए अब चलते हैं इसके पैच की ओर, कैसे इसको पैच बनाएं। अब पैच बनाने के लिए सबसे पहले आप इसको जब ऑन करेंगे तो यहाँ पर आएगा किट 001। तो हम लोग एक किट असाइन कर लेते हैं, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ मैंने किया है 059 पे। देन इसके लगाने बाद आप मेनू एंटर प्रेस करेंगे, सामने आपका लिख के आएगा रिकॉर्ड सेटअप ड्रम किट। इसके बाद आपको ये डाउन का बटन है, इसको प्रेस करना है। यहाँ पर लिख किया जाएगा इंस्ट्रूमेंट्स, इस इंस्ट्रूमेंट में आपको क्लिक करना है। देन अगेन आप मेनू एंटर बटन को क्लिक करेंगे। करने के बाद अब आपका ये शुरू हो गया क्रिएशन। अब आप क्रिएट करने के सबसे पहले आप क्लिक करेंगे फर्स्ट पैड में, बिना क्लिक करे आप पैच नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि आपको अगर वन पैड पर करना है तो पहले इसको प्रेस करना होगा। ठीक है, मैंने प्रेस किया वन पैड पर। करने के बाद अब आपको यहाँ पर लिख के आ रहा होगा ऑल। पहले के वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इस ऑक्टोपैड के अंदर
जो कि रॉकस्टार पैड 20 प्रो है एडवांस। इसमें आपको तीन लेयर दी गई है जो जिसमें ऑल है। अब लेयर कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पर लेयर टेम्पो का बटन है। अब यहाँ करेंगे लेयर वन, यानी कि लेयर वन मतलब यानी एक टोन आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं लेयर वन में। देन अगर हम लेयर टू कर देंगे यहाँ से, देन हम सेकेंड टोन भी इसी के अंदर आपका क्रिएट कर सकते हैं। देन यहाँ से हम फिर से वही लेयर टेम्पो के बटन से चेंज करेंगे, लेयर थ्री आ जाएगा। देन हम थर्ड टोन भी इस पर सेट कर सकते हैं, यानी तीन टोन का मिक्सचर लेकर के एक पैड में हम एक पैच क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब इसको लेयर वन करते हुए। अब लेयर वन में ऑलरेडी जो है यहाँ पर ऑलरेडी मैंने असाइन कर रखा है पैड वन पे, जो कि नंबर है 0035, ठीक है 0035। मैंने एक ही टोन क्रिएट किया है। देन लेयर टू में मैंने 2152 दिया गया है, जो कि म्यूटिंग इफेक्ट है इस रॉकस्टार पैड 20 प्रो का, ठीक है। तो लेयर टू का भी हो गया 2152, लेयर थ्री में भी 2152। जो भी नंबर आप सेट करेंगे इसी के थ्रू आप सेटअप करेंगे। ये नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4, यहाँ से जो भी नंबर आप लगाएंगे तो आप वो चीज़ यहाँ पर आके फिक्स हो जाएगा। तो ये हमारा लेयर थ्री में भी 2152, ये भी म्यूटिंग मैंने दे दिया है। देन अब चलेंगे ऑल कर देंगे, अब पैड वन हमारा रेडी हो गया। तो हमने क्या किया है, 0035 पहला लेयर, दूसरे में 2152 जो कि म्यूट है, और तीसरा भी 2152 जो कि म्यूट है, ये साउंड मैंने इसमें दे दी गई। अब सेकेंड पैड पे चलेंगे, ये सेकेंड पैड है, सेकेंड पैड में भी मैंने ऑल कर रखा है। अब इसको भी लेयर वन करते हैं, तो पहला जो टोन है वो 0343, इसका भी सेकेंड लेयर पे म्यूट है 2152, थर्ड लेयर में भी म्यूट है 2152। देन अब ये ऑल कर देंगे, ये भी हमारा पैड क्रिएट हो गया 0343 2152 2152। अब चलेंगे पैड थ्री की ओर, इसमें जो आपका पहला लेयर है यानी 0347 0347 जो कि टॉम टॉम है। देन हम सेकेंड लेयर पर जब चलेंगे तो ये भी 2152 है, थर्ड लेयर पे भी 2152 जो कि दोनों म्यूट है, ये भी हमारा रेडी हो गया। अब फोर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फोर पैड में मैंने कोई भी असाइन नहीं किया हुआ है। देन हम चलेंगे अब फिफ्थ पैड में, अब फिफ्थ पैड में जो मैंने असाइन किया गया है लेयर वन पे 0010, लेयर टू में भी 2152 म्यूट है, थ्री में भी 2152 म्यूट है। तो ये आपका 0010 एक ही टोन दी गई है जो कि किक होती है, किक, ठीक है 0010। पैड फाइव भी सेटल डाउन हो गया, अब पैड सिक्स के चलेंगे। पैड सिक्स में मैं लेयर वन में 0763 जो कि आप लेयर टेम्पो से चेंज कर सकते हैं 0763, सेकेंड लेयर में आपका 2152 म्यूट है, अगेन थर्ड लेयर में 2152 म्यूट है। अब चलते हैं हम सेवन पैड पे, सेवन पैड पे ये आपकी लेयर वन पे है 0570, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर म्यूट है 2152। अब चलेंगे हम पैड एट पे, इसमें लेयर वन पे है 0572, लेयर टू और लेयर थ्री ऑलरेडी म्यूटेड है। तो ये सारे टोन्स इसी तरीके से एंगेज हो चुके हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 पैचेस हमने क्रिएट कर दिए है 8 पैड के अंदर, ठीक है। फोर्थ पैड पे कोई है नहीं पैच, इसलिए हमने कोई असाइन नहीं किया। तो 1 2 3 5 6 7 8, ये हमने पैड यूज किया है इस पैच को बनाने के लिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इसकी बीट की ओर और इसकी बीट को सीखते हैं कैसे ये प्ले किया गया है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आपको आगे तक समझ में आए कैसे प्ले करना है। हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने बीट प्ले करके देखी और पैच कैसे बनाया गया है ये भी देखा। आइए अब देखते हैं कि कैसे हम इस बीट को प्ले कर सकते हैं। तो बीट प्ले करने के लिए पूरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को फॉरवर्ड मत करिएगा, आपको तभी समझ में आएगा। तो इसमें टोटल 13 टाइम्स बीट्स ली गई है, 13 टाइम, और कौन कौन से पैड में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा प्रोसेस ताकि आप इजिली समझ पाए। इसको ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए।
तो सबसे पहला है फर्स्ट, यानी कि पहली बार जो आप स्ट्रोक देंगे, हिट करेंगे, तो वो होगा पैड फाइव। ठीक है, तो फाइव पैड में यानी हम पहला स्ट्रोक देंगे फर्स्ट वन। सेकंड में हम देंगे सेवन पैड पे, जो कि होगा राइट, यानी राइट हैंड से हम स्ट्रोक करेंगे। फिफ्थ पैड में यानी पहला स्ट्रोक में हमने लेफ्ट से किया, सेकंड में स्ट्रोक में हमने सेवन पैड पे राइट से किया वन टू। देन थर्ड में हमने अगेन फाइव लिया लेफ्ट से, ठीक है वन टू थ्री, ये तीन स्ट्रोक हो गए। अब उसके बाद हमारा चौथा स्ट्रोक जो है वो सिक्स पैड में रहेगा, जो कि राइट से रहेगा। ठीक है वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। अब चार स्ट्रोक हो गए। पांचवा स्ट्रोक जो हम देंगे वो सेवन पैड पे देंगे, यानी कि सेवन पैड में राइट हैंड से। ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव। अब छठा स्ट्रोक हम देंगे फिफ्थ पैड में अगेन, जो कि लेफ्ट हैंड से होगा। ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये छह स्ट्रोक हो गए। अब जो सेवन स्ट्रोक होगा वो हम देंगे एट पैड पे, यानी राइट हैंड से। ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये सेवन स्ट्रोक हो गया। अब आठवां स्ट्रोक, आठवां स्ट्रोक हम देंगे छठे पैड पे राइट से। ठीक है आठवां स्ट्रोक हमने छठे पैड पे राइट हैंड से ही दिया। अब नौवां स्ट्रोक हमारा होगा फिफ्थ पैड में लेफ्ट से। ओके अगेन मैं पूरा क्लियर कर देता हूं आपका, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। देन अब दसवां स्ट्रोक, टेंथ स्ट्रोक हम क्या करेंगे, फर्स्ट पैड पे देंगे राइट से। ग्यारहवां स्ट्रोक हम फर्स्ट पैड पे देंगे लेफ्ट से। बारहवां स्ट्रोक यानी ट्वेल्थ स्ट्रोक हम अगेन राइट से देंगे फर्स्ट पे। देन थर्टीन स्ट्रोक यानी तेरहवां स्ट्रोक हम देंगे अगेन लेफ्ट से फर्स्ट पैड पे। अब इसको थोड़ा सा फास्ट करके देखते हैं। इस ढंग से इसको प्ले करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन। अब जब फास्ट करेंगे तो कैसे होगा, तो इस ढंग से हम इसको प्ले करेंगे। अगर हम इस थर्ड पैड में टॉम को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा 10, 11, 12, 13 स्ट्रोक था, तो हम यहाँ पर 10, 11 लेंगे, 12 स्ट्रोक हम यहाँ लेंगे थर्ड पैड पे और 13 स्ट्रोक अगेन वन पैड पे लेंगे। तो कैसे आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है इस तरीके से आप इस बीट को प्ले कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, ताकि और भी अच्छे वीडियोस में आपको दे सकूं, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।